तो निहारिका तुमको आगरा कैसा लगा? अच्छा। और नीतू तुमको कैसा लगा आगरा? अच्छा। तो आगरा से मतलब घूम के, आगरा में हमने सिर्फ दो ही जगह घूमा, आगरा में घूमने के लिए बहुत कुछ है। मतलब आप घूम सकते हो आपका फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा वगैरह, और यहाँ पर राम बाग है, सिकंदरा बाग है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें। खाने पीने के लिए आगरा पेठा हमने खरीदा था, खा भी लिया, तो आगे का पेठा भी आप खरीद सकते हो आराम से, वो भी खा सकते हो, और आगरा की चाट फेमस है वो भी खा सकते हो। तो अब आगरा को छोड़ने का समय आ गया। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो फिलहाल हम लोग आगरा से अंदर से मतलब खा पी के, खाना ना खा पी के निकल चुके हैं मथुरा की। तो अब जाएंगे आगरा से मथुरा। एक्चुअली आगरा में बहुत पहले आया था, लेकिन मथुरा में कभी नहीं गया। तो एक वो पिक्चर है ना, कौन सी वाली पिक्चर है, टसन, टसन नाम है, क्या नाम है मुझे नहीं पता, टसन तेवर, तेवर एक तेवर पे पिक्चर है उसकी, वो हीरो का नाम क्या है, अर्जुन कपूर। हाँ, अर्जुन कपूर की। तो उसमें वो आगरा का रहने वाला था, मथुरा गया होता है, ऐसा कुछ है। तो वही वाली पिक्चर देख के मैंने कभी मन किया कि हाँ आगरा मथुरा दोनों घूमने जाएंगे। तो फिलहाल आज जा रहे हैं आगरा से। मेरी गाड़ी आगरा नंबर की है, UPSC वैसी एक गाड़ी वैगनार आ गई है, जा रही है UPS से। तो आज गाड़ी भी अल्लाह अपने होम टाउन आई है वापस कि अब तो शहर देख के आती है, तो गाड़ी भी कुछ उसको चल ली है। तो देखते हैं यहाँ से लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे छोड़ना पड़ेगा शायद, उसका यमुना एक्सप्रेस होगा, मेरे को मालूम नहीं है अभी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि आगरा एक्सप्रेस वे सिर्फ लखनऊ से आगरा तक ही हो, उसके बाद यमुना एक्सप्रेस हो, ऐसा कुछ हो, ये मुझे मालूम नहीं है, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये ऊपर जो रास्ता जा रहा था वो जा रहा है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। तो इसमें ये रास्ता लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के लिए निकल गया और हम लोग सीधे आगे बढ़ गए, यानी कि ये यमुना एक्सप्रेस वे हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, मतलब ऐसा मेरी अजम्पशन है। तो इसमें 63 किलोमीटर लगातार चलना है, तो मे बी ये यमुना एक्सप्रेस वे हो जो आगरा तक आता है। तो इसमें कुछ लिख के नहीं आ रहा है, NH 530B लिखा हुआ है। आप देखो इसमें कितना टोल पड़ता है। कल का टोल का मैं आपको बताना भूल गया, एक्चुअली क्या हुआ कि कल टोल बहुत देर बाद कटा है, मतलब इतनी देर बाद कटा टोल, कटा आपके करीब आगरा पहुँचने के बाद, और करीब 655 रुपये का टोल था। पहले वाले पे स्कैन हुआ, दूसरे वाले पे स्कैन हुआ, और जब आगरा हम लोग पहुँच गए तब उसका टोल कटा है, मतलब ऐसा कल वाली सिचुएशन में हुआ था टोल कटने में। तो ये है, यू आर ड्राइविंग ऑन आगरा इनर रिंग रोड। तो अभी हम लोग आगरा इनर रिंग रोड में हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, ADA विशेष यू कॉट स्पीड, ये इन्होंने लिखा हुआ है। तो दिन में प्रचंड गर्मी है और अभी करीब बजे हैं दिन के 12 और हम लोग निकले हैं मथुरा की। तो जो मैं बोला था वही बात, देखो यमुना एक्सप्रेस वे का रूप है, आपका स्वागत है, वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस वे। तो अब हम लोगों ने पकड़ लिया है आगरा, अभी तो हम चले थे, मतलब इससे पहले चले थे आगरा की रिंग रोड पे, मतलब जो आगरा को चारों ओर से सर्किल करती है वही रिंग रोड थी। अब हम लोगों ने मतलब यमुना एक्सप्रेस वे में हम लोग आ गए हैं। यमुना एक्सप्रेस वे के लिए लोग बहुत बोलते हैं कि यार बहुत टायर वायर फट जाते हैं गाड़ी के, तो गाड़ी थोड़ा कम स्पीड में चलाया करो, ऐसा बोलते हैं लोग। तो यमुना एक्सप्रेस वे भी पहले बना था, उसके बाद आगरा एक्सप्रेस वे बना था। तो इससे क्या हुआ कि जिनको नोएडा से लखनऊ आना होता था वो अब वो 5 घंटे अब हो जाते हैं, पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था लखनऊ आने में। तो बिल्कुल एकदम से नींद आने लगी थी मथुरा आने से पहले, तो क्या हुआ कि एक जगह पर एग्जिट पर मथुरा वाला हमारा रास्ता छूट गया, तो हम लोग को मतलब वापस टोल प्लाजा से टर्न माना पड़ा, करीब 12 किलोमीटर का फेरा जाना पड़ गया। तो फिलहाल हम लोग खाना खाने रुके हैं मैजिक फूड प्लाजा मथुरा वाले एग्जिट पे। तो यहाँ पे वो फूड प्लाजा है, तो यहीं जा रहे हैं फूड प्लाजा में लंच करने के लिए। आया है हमने, देखिए यह है राजमा चावल और इडली सांभर। तो मिहाई का हम राजमा चावल खाएंगे क्योंकि हमको ज़्यादा भूख नहीं है, नीतू खाएगी इडली सांभर। तो
यमुना एक्सप्रेसवे को छोड़ के हम लोग आ गए हैं सीधे मथुरा वाले रास्ते पे। मतलब एक्सप्रेसवे से छोड़ा तब से स्पीड होगी है कम। अभी मैं 10 किलोमीटर दूर जाना है, 10 किलोमीटर जाने के आधे घंटे का बता रहा है गूगल मैप। अभी हमने होटल नहीं लिया है, ऑनलाइन होटल देखा तो कोई भी होटल 2 या 2.5 हज़ार से नीचे नहीं है। अभी वहाँ धर्मशालाएँ बहुत हैं और बहुत अच्छी अच्छी हैं, तो सोचता हूँ कि क्यों ना वहाँ जाके आज धर्मशाला ट्राई की जाए। तो भैया मथुरा शहर के अंदर प्रवेश हो गया, 700 मीटर हमारी मेरा डेस्टिनेशन मथुरा वाली पूरी होगी, लेकिन अभी तक हमने होटल नहीं ढूंढा। अब एक्चुअली मेरा मन था कि होटल हम ढूंढें श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास कहीं पे, तो वही हमारा है क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि अभी यहाँ से 2 किलोमीटर और दूर है। तो फिलहाल हम श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर जा रहे हैं। अंदर शहर के अंदर ट्रैफिक इतना है कि गाड़ी चल रही है मतलब बहुत रुक रुक के, हमको 1 किलोमीटर पूरा करने में पूरे 20 मिनट लग रहे हैं क्योंकि जाम इतना भयंकर है यहाँ अंदर ही अंदर। देखो सब लोग उठपटांग गाड़ी चलाने में लगे हुए हैं। ये देखो महाराज को इनको जल्दी जल्दी बीच चलाने गाड़ी, उधर से एक और गाड़ी आ रही है। ये कृष्ण जन्मभूमि की जगह पे यहाँ पर नगर निगम की पार्किंग है, यहाँ पे है कृष्णा गेस्ट हाउस। थोड़ी मारामारी ज़्यादा है आज मथुरा में क्योंकि है लास्ट वीकेंड और होटल नहीं मिल रहा। 2-3 होटल में हम लोग गए तो नॉन एसी होटल भी मतलब सोचिए कि 1800 रुपये के थे लास्ट में, यहाँ पर मिला है उसको